आज आज से ऑफिस में मीडिया पर्सन लोग और हमारे दोस्त लोग सब इधर इधर इकट्ठा हुआ बोल के बहुत बहुत धन्यवाद आज हम लोग इसलिए बुलाया आप लोग को क्योंकि हम लोगों को कंप्लेन मिला है और हम लोग का नोटिस हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है हफलोंग यानी कि डिम्मा हास का डिस्ट्रिक्ट कोटर वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है हायर सेकेंडरी स्कूल जिसका नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तो उसका विषय में आ, हम लोग कंप्लेन मिला है बोल के हम लोग बुलाया तो एक नंबर इशू है उसका क्वालिफिकेशन का जो वाइस प्रिंसिपल का जो क्वालिफिकेशन होता है तो उसका बारे में हम लोग जानकारी मिला बोल के हम लोग बोलने मांगता है कि आ, हम लोग को जितना तक मालूम है जो आसम गेजेट वाइट नंबर आपका एक्स गेजेट नंबर फाइव सिक्सटी नाइन डेटेड थर्टी वन एट ज़ीरो नाइन पेज नंबर फोर्टीन सिक्सटी शेड्यूल टू उसमें क्लियरली लिखा है कि ऑफ़ कैंपस बी नहीं हो सकता है और और जो ऑफ़ कैंपस जो डिग्री लेके बीएड कंप्लीट करता है उसको वाइस प्रिंसिपल होने के लिए क्वालिफाई नहीं है बोल के उस असम गजट में क्लियरली लिखा है तो ऐसा लिखने का बावजूद जो नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन होने का बावजूद हम लोग को गवर्नमेंट गर्ल्स हाइडरी स्कूल में हम लोग को खबर मिला है कि जो वाइस प्रिंसिपल है जो मिस्टर समीर मजूमदार उसको वाइस प्रिंसिपल बनाया है और बनाने का साथ साथ अभी उसको इंचार्ज प्रिंसिपल भी दिया गया है लेकिन हम लोग डाउट है क्योंकि डाउट ऐसा है कि उसमें वो बाइस जब असिस्टेंट टीचर हुआ करता था टू थाउजेंड में तब मैं किसी को बी एड लेने के लिए बी पढ़ाई करने के लिए स्कूल से हर सेकेंडरी स्कूल हो जिस भी जो भी स्कूल हो वहाँ से डिपोटेशन का एक लेटर दिया जाता है तो हम लोग को जितना नॉलेज है उसमें उसको डिपोटेशन भी नहीं मिला है बिना डिपोटेशन का ऑफ कैंपस वो क्वालिफाई किया है के हम लोग कवर मिला है और साथ साथ ये भी हम लोग को दर हम लोग का जितना ये स्कूल का ऑथोरिटी है उसको भी एक जनाना चाहता है हम लोग का अच्छों की तरफ से कि उस टाइम में वो स्कूल में भी रेगुलर था बोल के उसका अटेंडेंस रेगुलर था बोल के भी दिखाया है साथ साथ वो बी करते समय भी उसका अटेंडेंस हंड्रेड परसेंट है बोल के हम लोग को मालूम हुआ है लेकिन एक आदमी हो के एट द सेम टाइम इधर टीचिंग भी रेगुलर कैसे हो सकता है और साथ साथ ये बी जो उसने पढ़ाई किया उसमें भी कैसे वो अटेंडेंस हंड्रेड हो सकता है बोल के हम लोग को क्लियरली डाउट है तो ऐसा असिस्टेंट टीचर या किसी भी जगह में ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा हो सकता है तो हम लोग का भविष्य क्या होगा और इसलिए हम लोग का सुने में भी आया है कि वो लोग का कुछ लेके कोर्ट में भी बात हो रहा है फिर भी हम लोग का ये वाइस प्रिंसिपल जो क्वालिफिकेशन है उसमें हम लोग को जितना इन्फॉर्मेशन है हम लोग के पास में हम लोग वो आप लोग का सामने में हम लोग हम लोग का इश्यू आप लोग के पास में रखा है तो इसलिए जो अथॉरिटी कंसर्न है उसको भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और थोड़ा इस इशू को लेके थोड़ा थोड़ा सीरियस होना है ताकि हम लोग का जो गवर्नमेंट स्कूल है वो अच्छे से फंक्शन होगा बोल के हम अच्छा भी रखता है और हम लोग का जो स्टूडेंट क्योंकि गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में देखिए गाँव से जितना गरीब स्टूडेंट लोग होता है उन लोग ही यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आता है ये गवर्नमेंट स्कूल में तो अगर ऐसा स्कूल में ऐसे ही प्रिंसिपल लोग का कुछ वाइस प्रिंसिपल हो या कुछ असिस्टेंट टीचर हो उन लोग का बीच में अगर ऐसा होते रहेगा तो कैसा होगा तो इसीलिए हम लोग ऐसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग अपील करता है कि एक पीसफुल एक एन्वायरमेंट एक, एक स्कूल में लेके आए ताकि स्टूडेंट स्टूडेंटों का भविष्य अच्छा हो वही हम हम लोग का तरफ से विनती है और साथ साथ और दूसरा दूसरा पॉइंट है कि जब समीर मजिमदार जब उसका वाइस प्रिंसिपल दिया गया और इंचार्ज प्रिंसिपल दिया गया उस टाइम में हम लोग को खबर मिला है कि यानी कि टू को एच एस जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स में है सिक्स हंड्रेड फिफ्टी फीस कलेक्शन होना चाहिए मैट्रिक के लिए फिर भी उसने कलेक्ट किया फ़िफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ सब स्टूडेंट से वहाँ पे मैट्रिक में आपका स्टूडेंट था वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर स्टूडेंट तो उसमें फिफ्टीन हंड्रेड करके कलेक्ट किया जो कि हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे जे, कि डोनबस्को या सेंटनेस उन लोग ने खाली प्राइवेट इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी उन लोग ने खाली ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ कलेक्शन किया स्टूडेंट से लेकिन हम लोग को नॉलेज में है और हम लोग को पता चला कि गवर्नमेंट स्कूल में ये गवर्नमेंट हा, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में फ़िफ्टीन हंड्रेड करके पास स्टूडेंट से कलेक्ट किया तो और उसके साथ साथ में ये मैट्रिक जो एस एस एल सी जो एग्ज़ाम दिया उसमें बी पी एल फैमिली का भी है तो बी पी एल फैमिली का तो फ्री होना चाहिए तो फ्री हो, नहीं होकर वो फिफ्टीन हंड्रेड कलेक्शन किया तो ऐसा कैसा हो सकता है तो इसीलिए हम लोग का सोच है और हम लोग का वही हम लोग बात रखना चाहता है कि कंसर्न गंस्थन, ऑथोरिटिक कंसर्न से कि ऐसा जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें ऐसा स्टूडेंट के साथ में ऐसा वाइस प्रिंसिपल मिस्टर और इंचार्ज प्रिंसिपल मिस्टर समीर मधुंदर ऐसा क्यों कर सकता है अगर पैसा कलेक्ट किया भी है तो उसका हिसाब देना चाहिए जैसे कि उन लोग का जो मैनेजमेंट कमेटी है स्कूल का उसमें अकाउंट में पैसा डालना चाहिए तो अगर डाला है तो उसका प्रूफ दो और और हम लोग को जितना पता है ये पैसा अकाउंट में नहीं है बोल के हम लोग को मालूम है तो इसीलिए हम लोग का जो काउंसिल का तरफ से भी और जो मैनेजमेंट कमेटी है आप लोग भी थोड़ा काइंडली इसमें इंटरवेंशन करके थोड़ा ये जानकारी आप लोग भी लो और हम लोग भी लिया बोल के हम लोग बोल सकते हैं कि उसने ऐसा फिफ्टीन हंड्रेड कलेक्शन किया बोल के हम लोग का खबर में आया साथ साथ और एक बात है एच एस का बारे में एच एस में आपका टोटल हंड्रेड थर्टी फाइव स्टूडेंट है उसमें भी वो कलेक्शन किया है टू थाउजेंड रुपीज़ तो देखिए इसमें एच एस एल सी में भी किया क्या साथ साथ ये हायर सेकेंडरी लेवल में भी किया उसमें भी सिक्सटी स्टूडेंट्स लोग बी पी एल फैमिली का है जो कि उन लोग को फ्री होना चाहिए था तो उनको भी फ्री नहीं किया और उन लोग का पैसा अगर उन लोग को रिटर्न करना है तो जल्दी से कीजिए और आर, एच एस सी और एचएस एस में भी देखो बहुत पैसा वो लोग कलेक्शन करके बहुत इसमें पैसा का लॉन्ड्रिंग हुआ बोल के हम लोग को पता चला है और इस बार और भी उसका बारे में जब एच एस एल सी और एच एस का मार्कशीट सर्टिफिकेट लेने के समय में स्टूडेंट लोग इस बार जो पास आउट होके जो उन लोग से जो सर्टिफिकेट लेने के लिए आया उसमें भी पास स्टूडेंट्स में थ्री हंड्रेड रुपीज़ करके कलेक्ट किया तो थ्री हंड्रेड रुपीज़ कलेक्ट किया यानी कि आपका एच एस एल सी में वन वन ट्वेंटी फोर स्टूडेंट और एच एस में वन थर्टी फाइव टोटल टू फिफ्टी नाइन स्टूडेंट तो उसमें तीन सौ रुपये करके कलेक्शन किया इन द नेम ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ गोल्डन जुबली तो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी को स्कूल का गोल्डन जुबली अगर और होगा सेलिब्रेट करेगा तो उसका सेलिब्रेशन कमेटी अब तक तो होना चाहिए था क्योंकि टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में उसका फिफ्टी ईयर्स हुआ है तो अब तक तो सेलिब्रेशन कमेटी बनाना चाहिए था लेकिन अब तक नहीं बना अगर और बनना है तो जल्दी बनना है और जो पैसा कलेक्ट कलेक्शन किया यानी कि सेवेंटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड वो थ्री हंड्रेड रुपीज़ करके टू फिफ्टी नाइन स्टूडेंट से कलेक्ट किया सर्टिफिक लेते समय तो आ, अच्छा बात है सेलिब्रेशन के लिए लिया फिर भी उसका मिसयूज़ फंड मिसयूज़ नहीं होना चाहिए था तो अभी का, अभी तक उसका कुछ हिसाब नहीं है अभी तक उसका कमेटी भी नहीं बनाया उसका पैसा का कोई किसी को हिसाब नहीं दिया और अगर पैसा अगर कलेक्ट किया तो स्कूल का अकाउंट में जमा देना चाहिए था वो भी अभी तक नहीं दिया तो इसलिए फिर ए एच एस का पैसा लेके और ये पैसा लेके बहुत मनी लॉन्ड्रिंग हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए और बहुत दुख का बात है कि यहाँ पे देखिए गांव का आदमी लोग कोई कोई का फैमिली लोग चाउल किनने के लिए कपड़ा खरीदने के लिए चप्पल जूता खरीदने के लिए कपड़ा खरीदने के लिए कैपेसिटी नहीं होना और फैमिली लोग भी इधर पढ़ाई करता है तो उन लोग का बच्चा लोग से ऐसा फिफ्टीन हंड्रेड टू थाउजेंड ऐसा कलेक्शन करने से ये बहुत शर्म का बात है और इसका ऊपर में इंक्वायरी होना चाहिए बोल के हम लोग मांग रखता है और इस बार हम लोग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इस बार हम लोग को मालूम चला कि एडमिशन का जो अमाउंट है यानी कि क्लास फाइव सिक्स सेवन जो भी हो जो स्टूडेंट लोग पढ़ाई करते हैं इस बार एडमिशन लेते समय प्रिंसिपल ने कलेक्शन करते समय फीस में उसने बहुत अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग डिफरेंट अमाउंट्स कलेक्ट किया है किसी से पाँच सौ किसी से सात सौ किसी से बारह सौ ऐसा करके लिया बोल के हम लोग को खबर मिला है तो ऐसा गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे तो इसलिए हम लोग को डिमांड है और अपील है कि आप, आप लोग काइंडली मैनेजमेंट जो कमेटी है इसमें और जो अथॉरिटी कंसर्न है स्कूल का तो आप लोग काइंडली इसमें इंटरफेयर कीजिए और इसमें थोड़ा आप लोग छानबीन कीजिए ये अगर सही है तो इसको क्या सज़ा दे सकता है और क्या सजा मिलना चाहिए अगर अगर यह अगर हम लोग का जो रिपोर्ट अगर गलती है तो काइंडली आप लोग भी देखिए और जो एडमिशन जो अमाउंट है अगर पैसा लिया है तो ऐसा ज़्यादा क्यों लिया और गरीब स्टूडेंट लोग से क्यों ऐसा किया ओके okay, हम लोग को मांग है और इसमें सब स्टूडेंट से अलग अलग कलेक्शन करने का क्या वजह है गवर्नमेंट का नॉर्म्स में जितना है उतना लेने से ठीक है बाकी सब तो गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट लोग की सरकार लोग की आपको तनख्वाह देता है तो गरीब स्टूडेंट से ऐसा क्यों लेता है और साथ साथ एडमिशन लेते समय रिसिप्ट भी नहीं दिया गया है और प्रिंसिपल खुद नहीं और जो मिस्टर मजुंदर है उसने खुद पैसा कलेक्शन किया है तो हम लोग को वही मांग है कि आप लोग काइंडली इसमें छानबीन कीजिए और जो घोटाला है जो बिग मन मनी लॉन्ड्रिंग इसमें जो घोटाला हुआ है उसको स्कूल को लेके तो आप लोग थोड़ा काइंडली इसको इंटरवेर करके क्या सही है क्या गलत है उसको अगर सही हुआ तो मिस्टर मजूंदर को क्या सज़ा लेना चाहिए वो आप लोग भी डिसाइड कीजिए और एस एस पर लो क्या सजा मिलना चाहिए वो होगा बोल के हम कोर्ट को भी आशा रखता है और आज हम लोग यही गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंड्री स्कूल से हम लोग आज ये इंफॉर्मेशन मिलके हम लोग प्रेस मीडिया का सपने में हम लोग ऐसे आप लोग के पास में हम लोग बातचीत आ रखा है हम लोग का व्यू और हम लोग सुनने में आया कि बहुत सारा गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसा है जो जहाँ पे थोड़ा ऐसा पैसा को लेके थोड़ा हेरा होता है बोल के तो हम लोग आज इस स्कूल को एग्ज़ाम्पल लेके हाफलोंग में जो है डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर तो हम लोग को सबको जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है हम लोग आज यहाँ से हम लोग वार्निंग देता है कि ऐसा पैसा को लेके कुछ हेरा नहीं होना चाहिए हम लोग का दिमाग सा एक बहुत गरीब फैमिली लोग रहता है यहाँ बहुत गरीब लोग है तो गवर्नमेंट लोग गवर्नमेंट जितना हम लोग का फैसिलिटी रहता है उस फैसिलिटी का हम लोग फ़ायदा उठा उठाने का वजाय हम लोग उसको हम लोग ज़्यादा ही कुछ हम लोग कर लेते कर लेता है बोल के कलेक्शन जैसे कि पैसा का मामला हो कुछ आपका मिड डे मील का मामला हो इसलिए हम लोग अपील करते हैं कि ये सब चीज़ में आ, सब लोग भी जो सरकारी जो स्कूल है जो कॉलेजेस है उसमें ये सब नहीं होना चाहिए और, और हम लोग विश्वास करता है कि इसमें काउंसिल काउंसिल अथॉरिटी और डिपार्टमेंट और कंसर्न और जो मैनेजमेंट है वो लोग भी इस इश्यू को लेके वो लोग भी थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये सही है ना गलत है वो लोग भी आप लोग आप लोग भी कीजिए और जो सज़ा मिलना है और सज़ा मिलना भी चाहिए बोल के हम लोग अच्छा रखता है, है थैंक यू तो।